All right, so we have come to the same place. Restaurant जो है होटल का उधर ही आए हैं. कल हमने अपना लंच डिनर यहाँ किया था और डे टू भी लंच हम यहाँ पे ही करने वाले हैं. सो कल मैंने क्या क्या खाया था, रात को खाया था चाइनीज़ नूडल्स हो गया था, दिन में खाया था वेज बिरयानी और अब बारी आती है कुछ स्नैक्स और या साउथ इंडियन. तो मैंने सोचा था चीज़ पाव भाजी करते हैं अभी और रात को मे बी मोस्ट लाइकली साउथ इंडियन कुछ मंगवा लेंगे. एंड फॉर माई मॉम, क्या मंगवाया मॉम आपने? पराठा. मम्मी के लिए पराठा, स्टफ्ड पराठा. ठीक है, तो ऑर्डर तो हमने कर दिया, अभी कुछ देर में आने वाला है. और जो दर्शन था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, कंफर्टेबल था जर्नी. और जो स्कॉडा ऑक्टाविया वाले भैया थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी सेफली मतलब अच्छे से मतलब ड्राइव वाइव करके मतलब वो हमें लेकर गए. उनका नंबर भी मैंने ले लिया है, सो उनका फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जस्ट इन केस यहाँ पे कुछ आ गया है. क्या आया? चीज़ पाव भाजी. वाओ, काफ़ी लजीज, बहुत ही यमी लग रहा है. सो अभी हम ये खाने वाले हैं. सो लाइक आई वाज सेइंग दैट स्क्वाडा ऑक्टाविया वाले भैया, उनका नाम बाबा साहेब है और उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो अगर आप लोग कभी जाते हो तो मेरे रेफरेंस से आप लोग जा सकते हो. और ज़रूर उनको भी बताना दैट आप ये वीडियो देखकर मतलब आप उनको कांटेक्ट कर रहे हो. और जाने में डेढ़ घंटा, आने में डेढ़ घंटा, वहाँ पे हार्डली व्हाट 15 to 30 minutes लगने वाले हैं. सो यू गाइस कैन प्लान योर जर्नी अकॉर्डिंगली, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग तो काफ़ी लेट ही निकले थे, हम तो 12 बजे के बाद ही निकले थे. सही था क्योंकि काफ़ी थके हुए थे कल हम, तो हमने अपने डे को थोड़ा लेट स्टार्ट किया. सुबह से ब्रेकफास्ट में तो बस फ्रूट्स और वो सब ही खाया था मैंने आपको दिखाया, और अब हम लंच करने वाले हैं और अभी दोपहर के 4 बज चुके हैं. ठीक है, तो चलो अब खाते हैं क्योंकि अब फिर ठंडा होने वाला है. सो लेट्स डिग इन. ऑलराइट, तो अब मैं लेने वाला हूँ अपना फर्स्ट बाइट. चीज़ पाव जी, पाव भाजी, चीज़ पाव भाजी जैसा होता है वैसा ही है. और देखते हैं नेक्स्ट बाइट लेके. मस्त, कर सकते हो ये ट्राई, क्योंकि महाराष्ट्र में जब आप आते हो तो ये सब चीज़ ज़रूर खानी चाहिए. पाव भाजी तो वैसे काफ़ी पॉपुलर है और चीज़ पाव भाजी खैर मैंने पहले भी बहुत बार खाए हैं. अच्छा है, सॉल्ट मुझे थोड़ा हायर साइड में लग रहा है. तो लंच तो हो गया और अब हम यहाँ पर आए हैं और हाँ यहाँ पे भीड़ भी लगी हुई है, दिखाता हूँ. वाह वाह,